रोमन रेंस की बीमारी का सच आया सामने और आखिर किसको रोमन रेंस के अनाउंसमेंट से लगा था सबसे बड़ा झटका, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज, रोमन रेंस ने जब बीती रॉ के अंदर बताया कि उन्हें ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर है, तो उस वक्त शायद ही आप में से किसी को अपनी आंखों पर विश्वास हुआ होगा। वो मोमेंट दोस्तों काफी इमोशनल था, खुद मैं काफी इमोशनल हो गया था दोस्तों। लेकिन बैक स्टेज दो ऐसे रेसलर थे जो वहां फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार नाया जैक्स और सेथ उस वक्त टूट गए थे जब रोमन रेंस ने कहा कि उन्हें ल्यूकेमिया 11 साल से है और 11 साल बाद अभी फिर से लौट आया है। यहां बताया ये जा रहा है कि नाया जैक्स, जो कि उनकी एक रिलेटिव है और काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, वो वहां काफ़ी रोने लगी। लेकिन दोस्तों सेथ रॉलिंस की तो वहां हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आपने खुद देखा कि सेथ रॉलिंस स्टेज पर कैसे बच्चों की तरह रो रहे थे, वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था और दोस्तों सेथ वहां बिल्कुल टूट चुके थे। होप कि दोस्तों रोमन रेंस की हालत सुधरे। लेकिन बात कर लेते हैं कि WWE हमसे क्या छिपा रहा है। दरअसल WWE ने दोस्तों रोमन रेंस के प्रोमो के अंदर एक चीज ऐड की जो कि उन्होंने उन्हें कहने को कही, और ये थी कि आज से 11 साल पहले मैं इस बीमारी के संपर्क में आया था। इसके अलावा दोस्तों हर एक चीज सच थी, अभी भी कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। कई लोग कमेंट सेक्शन में ये कह रहे हैं कि रोमन रेंस ढोंग कर रहे हैं और ये जो बीमारी उन्हें लगी है ये स्टोरी लाइन का पार्ट है। तो दोस्तों ये उन सभी लोगों के लिए है कि उन्हें वाकई में ये चीज़ हुई है, ये कोई ढोंग नहीं है, ये कोई फेक चीज़ नहीं है। रोमन रेंस को वाकई में ये बीमारी हुई है। रोमन रेंस कभी भी इतना बड़ा फेक स्टंट नहीं करेंगे, वो हमेशा से रियल थे और रियल ही रहेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं मुद्दे की, तो मुद्दे की बात ये रही कि रोमन रेंस ने वो चीज़ वहाँ WWE के कहने पर कही थी कि 11 साल पहले मुझे बीमारी लगी थी, क्योंकि डेव मेल्जर के अनुसार 11 साल पहले यानी कि सन 2008 में वो NFL यानी कि फुटबॉल खेल रहे थे। यहाँ दोस्तों WWE ने उनकी स्पीच सुधारने के लिए ये चीज़ डाली है, 11 साल नहीं दोस्तों 12 साल पहले रोमन रेंस इस बीमारी के संपर्क में आए थे। सन 2007 में दोस्तों NFL ने उन्हें अनड्राफ्टेड रखा था और ये वही समय था दोस्तों जब रोमन रेंस को पहली बार पता चला कि उन्हें ये बीमारी लग चुकी है। 2010 में दोस्तों उन्होंने WWE को साइन कर लिया और उसके बाद की कहानी तो आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि रोमन रेंस की बीमारी फिर से लौट आई है और अब उन्हें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जमकर दोस्तों रोमन रेंस के लिए दुआएं मांगे और प्रे कीजिए कि जल्द से जल्द वो इस बीमारी को हरा कर WWE के अंदर अपनी वापसी करे। वेल दोस्तों आज की ये वीडियो इतनी सी थी, पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूले। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।